नमस्कार दर्शकों, लोम्बू एक्सप्लोर में आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो ट्रैवल ब्लॉग नहीं है। हम दुर्गा पूजा में उड़ीसा गए थे और क्योंकि हर साल हमारे घर में दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन होता है। ये जो पूजा है हमारे घर में अराउंड 150 ईयर हो गया है, पूजा हो रहा है। मैं आपको दुर्गा पूजा का पूरा 5 दिन का वीडियो दिखाऊंगी, कैसे हम पूजा करते हैं और बहुत कुछ। आई होप आपको अच्छा लगेगा। आज है षष्ठी पूजा और हमारे घर में माँ का प्रसाद बन रहा है। जो भी माँ का प्रसाद बनेगा वो प्योर घी में बनाया जाता है और ब्राह्मण लोग ही हमारे बनाते हैं। और बहुत जैसे कोई टच ना करे ऐसा बहुत प्रोसेस मेंटेन होता है। और यहाँ पर देखिए जो रूम देख रहे हैं ना, ये मंडप का दो, ये मंडप को लगकर दो रूम है यहाँ पर। और यहाँ पर जो भी प्रसाद बनता है और भगवान जी का जो भी चाहिए पूजा का सामग्री सब यहाँ पर रहता है। और बाहर का लोगों का आना यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड है। ये देखिए माँ का मूर्ति बन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन सजावट अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि षष्ठी पूजा जब होता है हमारे घर, रात तक हम इवनिंग के बाद ही सब सजावट स्टार्ट कर देते हैं। मेरे हस्बैंड हो, बड़े भैया हो और हमारे फैमिली लोग ही यहाँ पर सजावट करते हैं। आपको दिखाएंगे कैसे हम सजाते हैं माँ को। अभी इवनिंग के 7 बज चुके हैं, पंडित जी अभी आ चुके हैं और अभी हमारा पूजा स्टार्ट होगा। बेल वृक्ष के आगे ही माँ को आह्वान करते हैं और कैसे करते हैं आपको हम दिखाएंगे। ये हमारे जेठ और जेठानी है, ये ही पूजा का संकल्प करेंगे। अभी हम जा रहे हैं बेल वृक्षों के पास, वहाँ पर भी पूजा का विधि संपन्न होगा। यहाँ पर देखिए पूजा का आरती चल रहा है। खत्म हो गया है, अराउंड 2 आवर्स लग गया है। अभी हम मूर्ति के पास आ गए हैं।
मेकर है जो डेकोरेशन का आइटम बना रहे हैं। ये देखिए हमारे माँ को ऑलरेडी सजाया गया है और देखिए माँ कितना सुंदर लग रही है। इस साल डेकोरेशन थोड़ा सा कम हुआ है क्योंकि हम भी लेट में पहुँचे और भैया भी अकेले थे और इसीलिए थोड़ा सा नॉर्मल ऐसा सजाया गया है, लेकिन माँ तो लेकिन बहुत सुंदर लग रही है। आज पूजा का सेकेंड डे है जिसको हम सप्तमी बोलते हैं और आज सुबह सुबह ऑलरेडी पूजा का काम स्टार्ट हो गया है। पंडित जी भी आ गए हैं और हमारा माँ का जो थाल होता है वो रेडी कर रहे हैं और अभी हम चलेंगे एक शिव मंदिर के पास। वहाँ पर एक तालाब है जहाँ पर हम कलश में पानी लाएंगे और माँ को आह्वान करके हमारे घर में लाएंगे। अभी हम माँ का आह्वान करके घर में पहुंच चुके हैं। देखिए मेरी जेठानी अभी गृहलक्ष्मी को लेकर माँ के पास आ रही है क्योंकि लक्ष्मी माँ आने के बाद ही पूजा स्टार्ट होता है। ये हमारा घर है, देखिए हमारा ऑलरेडी पंडाल बन चुका है, सजावट कंप्लीट हो चुका है और अभी हमारा पूजा स्टार्ट होगा। सप्तमी पूजा खत्म होते होते रात का 9 बज गया था और ये भी जो पूजा है बहुत लॉन्ग चलता है और अब पूरा वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि पूरा व्यस्त हो गए थे। आप तो जानते होंगे फैमिली का पूजा है तो हर काम में पूरा व्यस्त हो गए थे। आज ये पूजा का तीसरा दिन जो अष्टमी पूजा बोलते हैं और आज बहुत लोग व्रत करते हैं। देखिए बहुत लोग भी आए हैं उनका पूजा सामग्री लेकर। यहाँ पर देखिए प्रसाद का सब थाल सजा कर रखा हुआ है और हमारा मेन पूजा की जगह में नहीं जाता क्योंकि वहाँ पर तो जगह इतना नहीं होता और गांव में बहुत लोग आते हैं अपना पूजा करने के लिए। यहाँ पर जब अष्टमी पूजा स्टार्ट होता है जब सब प्रसाद है वहाँ पर जाता है। अष्टमी पूजा बहुत बड़ा पूजा होता है, इसमें बलिदान संधि पूजा चंडी पाठ और होम ऐसा सब कुछ होता है, हम आपको दिखाएंगे। अभी बलिदान का प्रिपरेशन चल रहा है और इसमें क्या करते हैं ना, आज कल जो वेजिटेबल होता है ना तो उसको कट करते हैं, पूजा करने के बाद पंडित की पूजा करते हैं उसके बाद माँ के सामने कट करते हैं और आज मेरे हस्बैंड को प्रथा पालन कर रहे हैं। आज अष्टमी पूजा खत्म हो गया है और अभी शाम हो गया है, अभी हवन चल रहा है हमारे घर में और ये जो हवन चलेगा मिनिमम 2-3 आवर्स लग जाएगा खत्म होते होते। अभी हमारा देखिए ये जो है यहाँ पर हमारा माँ का प्रसाद बन रहा है और बेसिकली हम रात में ही जो भी माँ का प्रसाद बनता है राइस डालमा और जो भी कुछ
को रात में सब ग्रहण करते हैं और दिन भर को फ्रूट्स हो और पूजा का जो भी हमारा खाना बनता है, खाना मीन्स नॉर्मल जैसे रोटी हो या कुछ फ्रूट्स हो, और घर में जो आप ओडिशा लोग जानते हैं जो आरिसा काकरा ऐसा कुछ हम खाकर रह जाते हैं, और रात में ही हम राइस और ऐसा खाना माँ का प्रसाद बनने के बाद खाते हैं। आज है नवमी पूजा। देखिए जो बेलपत्र सब कलेक्ट करके हम रखे हैं और इस बेलपत्र में माँ का मंत्र लिखा जाता है जो 108 बेलपत्र में लिखा जाता है, और इसको इवनिंग के टाइम में हमारा यहाँ पर हवन होगा और ये बेल का पत्र वहाँ पर यूज होगा। देखिए आज हमारे घर में कितने गेस्ट आए हैं, और दुर्गा पूजा में हमारे घर में बहुत लोग आते हैं और हमारे गेस्ट इतने आते हैं कि पूरा घर पूरा भरा भरा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, और बच्चे लोगों का तो पूरा ग्रुप हो जाता है, और जो भी हमारे घर में रिलेटिव आते हैं माँ का प्रसाद पाते हैं, और सबको माँ का प्रसाद बहुत पसंद है। एक साल में एक बार ही ये प्रसाद खाने के लिए मिलता है, इसलिए सब लोग आते हैं। अभी हवन खत्म हो गया है और हवन खत्म होते होते 11 बज चुके हैं, और अब हम तो वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि बहुत बिजी रह गए थे उस टाइम। और हवन खत्म होने के बाद हमारे यहाँ एक प्रथा है, वो है कालीसी डांस। इसको देखने के लिए आसपास से बहुत लोग आते हैं। आज है दशहरा, इसको विजयादशमी भी बोलते हैं। माँ का पूर्णाहुति
पूर्णाहुति को लेकर बेल वृक्ष के पास जा रहे हैं। उसके बाद हमारे घर में देखिए प्रवेश कर रहे हैं। पूर्णाहुति घर में घुमाने से बोलते हैं कि जो भी खराब नेगेटिव एनर्जी रहता है वो नहीं रहता है। माँ का विसर्जन करने से पहले गृहलक्ष्मी को हम घर में लेकर जाते हैं, क्योंकि गृहलक्ष्मी को हम तो विसर्जन नहीं करने का विधि नहीं होता ना, इसीलिए हम मेरे देखिए जेठानी लेकर माँ को हमारे घर में जा रही हैं। उसके बाद ही जो विसर्जन का जो भी प्रोसेस है वो किया जाएगा। देखिए अभी विसर्जन का विधि स्टार्ट हो गया है। अभी माँ का विसर्जन का पूजा चल रहा है। अभी माँ का विसर्जन खत्म हो गया है और कल हमारा माँ का प्रतिमा को लेकर हम पानी में विसर्जन करेंगे। और आज तो बहुत दुख लग रहा है, 5 दिन माँ हमारे घर में रहे थे और कितना अच्छा लग रहा था, घर पूरा हरा भरा लग रहा था। अभी माँ तो वो तो उनको तो जाना होगा और 1 साल उनके लिए फिर से हम वेट करेंगे कब माँ हमारे घर में आएंगी। और ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया है, हम विसर्जन का जो वीडियो है हम आपको शेयर करेंगे। इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।